हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उम्र में जो ग्रोइंग बच्चे हैं उसका एज कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। बेसिकली इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो दो तरीका से होती है। एक तो पेशेंट आके बोलते हैं कि हमारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इस डेट को आई हुई थी, तो इसके थ्रू हम अलग कैलकुलेशन करते हैं। और दूसरा, हमारा जो एक चार्ट के अकॉर्डिंग जो बताई गई है, यानी कि जो फंडल हाइट है, फंडल हाइट के थ्रू हमारा मेजरमेंट करके कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ये कैलकुलेशन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसके थ्रू ही हम एक फाइनल रिजल्ट, जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, इसका हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं और पेशेंट को डेट दे देते हैं कि हाँ, आप इस डेट को आप प्रिपेयर रहना डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो पहला तो है हमारा एलएमपी पता है, एलएमपी के थ्रू यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पता है, इसके थ्रू कैलकुलेशन। और दूसरा, जिस पेशेंट को पता ही नहीं है कि हमारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था, यानी कि पीरियड की डेट ही जिसको याद नहीं रहता है, इरेगुलर मेंसेस है, इस केसेस में हमारा जो चार्ट के थ्रू जो एज का जो कैलकुलेशन है ये बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाता है। पहला क्या है, इसमें सबसे पहले तीन मार्कर हम देखेंगे। पहला क्या है, जिफॉइड प्रोसेस, उसके नीचे क्या आता है, अम्बलिकस, और थर्ड वन प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो जब प्यूबिक सिम्फाइसिस पे हमारा फंडल हाइट जो मेजरमेंट आता है, वहाँ पे बेबी 12 वीक को रीच कर गया रहता है। ठीक है, उसके बाद से आता है अम्बलिकस पे, अम्बलिकस में यानी कि 12 to 24 वीक पे अम्बलिकस पे पहुंच जाता है, और 36 वीक पे जिफॉइड प्रोसेस पे, यानी 12th का टेबल है, 12 to 24 and 3 to 36 वीक। उसके बाद से फिर हम आते हैं जो हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस है और अम्बलिकस के बीचों बीच की जो लाइनिंग देखते हैं, वहाँ जो फंडल हाइट का मेजरमेंट करते हैं, वहाँ पे हम जो 12 वीक्स है इसमें हम 4 ऐड कर लेंगे, यानी 16 वीक पे आता है। और फिर 1 month यानी कि जो उसके बाद से जो हम 16 पे जो 4 वीक और ऐड करते हैं तो 20 वीक्स आता है। ये अम्बलिकस से जस्ट 2 centimeter बिलो जाती है हमारी फंडल हाइट जब हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद से फिर हम देखते हैं अम्बलिकस और जिफॉइड प्रोसेस के बीच अगर फंडल हाइट लाई कर रही है तो बेबी का हमारा ग्रोथ कितने वीक्स का हो चुका है। तो 1/3 अबव अम्बलिकस से देते हैं, फिर हम 4 वीक्स ऐड कर लेंगे, यानी अम्बलिकस पे हमारा कितना था, 24 वीक्स, तो हो जाएगा ये 20 अम्बलिकस के अबव, 3 finger अबव, और ये कहें कि अम्बलिकस एंड जिफॉइड प्रोसेस के 3 divisions में डिवाइड कर दें, तो 1/3 अबव जो होता है वो हमारा 28 वीक्स का बेबी हो चुका रहता है। और फिर उसके बाद से अम्बलिकस से 6 finger अबव जाते हैं, तो 28 में 4 और ऐड कर देते हैं तो 32 वीक्स हो जाता है, और जिफॉइड प्रोसेस पे कम्प्लीटली 36 वीक्स का बेबी हमारा हो जाता है। इसके बाद 36 में अगर हम 4 ऐड करते हैं, यानी हर मंथ के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं बेबी का ग्रोथ, तो 40 वीक्स पे ऐसा नहीं है कि बेबी का ग्रोथ और ही अपर चला जाएगा या डायफ्राम क्रॉस कर जाएगा, ऐसा नहीं है। उस केस में क्या हो जाता है, लाइटेनिंग होती है। लाइटेनिंग का मतलब बेबी का डिसेंट, बेबी का होता है उस टाइम पे डिसेंट होना शुरू कर जाता है, यानी सिफेलिक प्रेजेंटेशन, यानी कि अपना प्रेजेंटेशन वो सही लेने लगता है, डाउन के साइड डाउनवर्ड होने लगता है, यानी नीचे के साइड बच्चा चला जाता है। तो वहाँ पे फिर जो 40 वीक्स का बेबी का जो फंडल हाइट है वो एग्जैक्ट फिर 32 वीक्स पे आ जाता है। ठीक है, ये रही हमारी वीक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन। जो गेस्टेशनल एज है ये कैलकुलेट हम इसलिए करते हैं, ये इसकी तो जो ईडीडी है आजकल तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू सारे पता चल जाता है कि हाँ कब है कब नहीं है, लेकिन मेनी टाइम्स ऐसा हो जाता है कि वो डिजिटल है, कई बार होता है कि गड़बड़ आ ही गई, रिपोर्ट गलत आ गई, या ऐसा होता है कि यूएससी के थ्रू कुछ और आ रहा है
और हमारा जो फिजिकल अपेयरेंस है, जो फंडल हाइट के थ्रू हम मेजरमेंट कर रहे हैं बेबी की ग्रोथ, उससे हम एक क्या करते हैं, टैली करते हैं कि क्या जो USG में है वो चीज़ें यहाँ सही जा रही है ना, फिजिकली जो हमें दिख रहा है वो चीज़ें ठीक जा रही है। अगर जा रही होती है तो दैट्स ओके, अदरवाइज़ हमें थोड़ा और ध्यान देना होता है। जैसे हमारा बेबी का ग्रोथ कम जा रहा है, ठीक है, बेबी का ग्रोथ क्या हो रहा है, फंडल हाइट अकॉर्डिंग टू USG के डेट या पेशेंट के LMP के डेट से जो हाइट कम जा रहा है, लेकिन पेशेंट बता रही है कि हाँ हमारा LMP का डेट ये है और उस अकॉर्डिंग ज़्यादा जा रहा है, दैट मीन्स क्या बेबी का ग्रोथ कम हो सकता है या लाइकर कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं दोनों का, लाइकर का और जो भी है, और ग्रोथ का। ग्रोथ का तो खैर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होते हैं, लेकिन हम वेट देख सकते हैं कि मंथ वाइज या जो भी वीक्स वाइज कितना ग्रोथ होता है और कितना ग्रोथ नहीं है, कम है, ज़्यादा है, क्या है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा अलग ट्रीटमेंट चलेगा, यानी कि हम अलग तरीक़ा से देखेंगे। जो कम है उन केसों में फिर हम हाइपोटिन डाइट बेसिकली ये करते हैं, एडवाइस करते हैं अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक नियर बाई, ठीक है ना, उसको ये ऐड करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फ़ायदे हैं फंडल हाइट कैलकुलेशन के। तो आज के लिए इतना रखते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।